बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चांदनी रेनड्रॉप फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। तो ये कार्यक्रम है क्या? जश्न आजादी जश्न है सुगम्यता का, एक छोटा सा प्रयास इनक्रेडिबल इंडिया को इंक्लूसिव इंडिया बनाने का। उन सभी ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन, जिनके कारण आज स्वतंत्रता रूपी अनमोल रत्न हम भारतवासियों के पास है। रेनड्रॉप्स फाउंडेशन की ओर से आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम सभी आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जिनेचर प्रोडक्शन LLP और SR म्यूजिक एकेडमी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ही आज के इस कार्यक्रम में हम सब विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति देख व सुन पाए। क्या एक ग्राम प्रधान दिव्यांग व्यक्ति नहीं हो सकता? क्या एक दिव्यांग व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन सकता? क्या एक दिव्यांग व्यक्ति चिकित्सक नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। आवश्यकता है एक संवेदनशील वातावरण की, आवश्यकता है हम सबके एक दूसरे को साथ देने की। रेनड्रॉप फाउंडेशन का तो मूल मंत्र ही रहा है एम्पैथी ओवर सिंपैथी। हम मानते हैं कि यह समाज सामाजिक न्याय तभी पा पाएगा जब हर एक व्यक्ति को संवेदनशील वातावरण मिलेगा। और हमें दया धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है आपके सहयोग। स्वागत है फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम जश्न आजादी तृतीय में। 2018 से हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पिछले साल की कुछ झलकियाँ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं।
कौन सी ना वो
रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। हर साल की तरह इस साल भी रेनड्रॉप्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे दिव्यांग भाई बहन अपने प्रतिभावन का प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहले परफॉर्मेंस की ओर, जो कि तनिषा सचदेवा जी की तरफ से है। तनिषा जी अपने परफॉर्मेंस के द्वारा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देंगी। दिल्ली के निवासी तनिषा सचदेवा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एम ए कर चुकी हैं। वो काफ़ी सिंगिंग शोज और प्रतियोगिताओं की विजेता भी रह चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तनिषा जी की परफॉर्मेंस की ओर। सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं।
वाह, क्या खूब प्रदर्शन था। आजादी दिवस का कोई भी जश्न लता जी के इस गाने के बिना अधूरा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस शाम की अगले परफॉर्मेंस की ओर, जो कि राजेश कोरी जी की तरफ से है। राजेश कोरी जी ने अपना वरिष्ठ डिप्लोमा प्रभाकर में किया है। उन्हें फ्लूट, हारमोनियम और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी रुचि रही है। वर्तमान में राजेश कोरी जी ऋषिकेश के एक होटल में बांसुरी वादक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनके परफॉर्मेंस की ओर। I'm Rajesh Kohli from Uttarakhand, Rishikesh. Happy Independence Day to all. And first of all, I would like to salute all the soldiers who sacrifice your life for us. Friends, we are free and feeling safe because of them. And after that, I would like to thanks all the members of the Raindrops who give a golden chance to come here for me. And after that, friends, today I am going to play a very beautiful song, a patriotic song, which song is Hai Preet Jahan Ki Reet Sada. परफॉर्मेंस सर राजेश कोरी जी की तरफ से। हमें आशा है कि आपको भी मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम की एक सदस्य सानिया जी की तरफ से एक मैसेज कि उनके लिए आजादी का मतलब क्या है। नमस्ते इंडिया। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड द मोस्ट
of today's scenario, isn't it? Well, it is a feeling indeed. And perhaps that is the main mission and vision of today's education. Hence, for persons with disabilities, in today's Amritkaal, that is, in today's scenario of existence, the most important need and the most significant need is freedom from fear and the freedom to be able to express freely and completely themselves. Again, to repeat ourselves, to be able to express, to be assertive, to feel accessible, to feel inclusive, and perhaps most importantly, when the moment we'll resist talking about disabilities, then perhaps the mission of today's education sector will be completed. So let's take a pledge that we will be talking about it until and unless all the challenges and goals of our education sectors and all the lacunas as existing in the sector are fulfilled and we combat the pandemic concerning accessibility and global inassertiveness about disabilities in the field of education. Thank you so much everyone. Jai Hind! तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर जो कि कुसुमा जी की तरफ से है। कर्नाटका की कुसुमा जी ने अपना संगीत का सफर 4 साल की नन्ही उम्र से शुरू किया और आज उन्हें 25 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कुसुमा जी ने काफी कन्नड़ गीत भी गाए हैं और आज अनेकता में एकता का जश्न मनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक खास परफॉर्मेंस। हेलो, मेरा नाम कुसुम जैन फ्रॉम टुमकुर कर्नाटक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 75 अमृत महोत्सव। आई वुड लाइक थैंक्स फ्रॉम साईराम म्यूजिक एकेडमी दिल्ली एंड रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन गिविंग अपॉर्चुनिटी इन दिस इवेंट। आई गो टू कन्नड़ पेट्रियाटिक सॉन्ग। देश बांधवरे कंबनिगळ निरळाकिन्नी प्राणाहुति नीडिदवर संस्मरिसिबिया बलिदान देववरनु मरेयलु बरदु अदकागे इदो ई कथन गड़ी
ನಮ್ಮಿ ಭಾರತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿಯ ಬಲಿದಾನ ಭಾರತಿ ತಾಯಿ ನಿನಗಿದೋ ಜೀವಧಾರತಿ ಆ
ಸನಿ ಸಸ ಸ ಮಮ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸ ಮಕ್ಕಳು ರಣ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಕಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗರೆದು ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದು ಕಣ್ಣನೊರೆಸಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ರಣ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗರೆದು ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದು ಕಣ್ಣನೊರೆಸಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಮನನಗೊಳಿಸುತ್ತ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿರಿ ಸಸ ಸ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಮನನಗೊಳಿಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಮನನಗೊಳಿಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಮನನಗೊಳಿಸುತ್ತ ಸಾವಿರ ದಳ ಕಮಲಿನಿಯೋ ಭಾರತಿ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಇದೋ ಜೀವಧಾರತಿ ಸಾವಿರ ದಳ ಕಮಲಿನಿಯೋ ಭಾರತಿ ಪಮಗರಿರಿ ಸಲಿಸಿ ಸರಿ ಪಾರಾನಿಸ भाषा समझ आए ना आए लेकिन जज्बात बिल्कुल समझ आते हैं। क्या खूब परफॉर्मेंस था कुसुमा जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस की ओर जो कि आयरा की तरफ से है। छोटी सी आयरा संगीत की बहुत बड़ी शौकीन है। संगीत के साथ साथ उन्हें शिल्प कार्य और खाना पकाने का भी बहुत शौक है। और कहीं जाइएगा मत क्योंकि इसके बाद इश्तियाक जी का परफॉर्मेंस है सीधा कश्मीर से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयरा चौक। ऑन द बिहाफ ऑफ रेनबो फाउंडेशन आई विश यू अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर दिस डे। तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे
है मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या खूब परफॉर्मेंस था आयरा जी की तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं इस शाम के अगले परफॉर्मेंस की ओर जो कि इश्तियाक अहमद भट्ट जी की तरफ से है। इश्तियाक जी कश्मीर से हैं और वो एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं। इश्तियाक जी हमारे पिछले साल के विजेताओं में से एक हैं और आज वो हमारा फेवरेट गाना संदेश से आते हैं गाएंगे। हो, 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 हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है किसी के सांसों ने किसी के धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के कजरे ने किसी के कजरे ने महकती सुबह ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ रूप कुमार राठौर जी का ये लोकप्रिय गीत संदेश से आते हैं दर्द बयां करता है उन जवानों का जो सरहद पर अपने परिवारों से दूर हमारी रक्षा करते हुए संदेशे का वेट करते हैं एक संदेशे का इंतजार करते हैं अपने घर से अपने गांव से। और आज कश्मीर से हमारे एक भाई इश्तियाक अहमद ने अपनी मधुर आवाज में ये गाना गाकर इसको और खास बना दिया है। आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं हमारी एक दिव्यांग बहन काजल ये सवाल पूछना चाहती है कि क्या दिव्यांग जन सही मायने में आजाद हैं। हाल ही में काजल को मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया था क्योंकि उनकी व्हीलचेयर को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। आज हम काजल जी के संदेश द्वारा अपने नए कैंपेन फ्रीडम टू मूव का आगाज करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हम मंदिर गए थे हमारे को अंदर घुसने नहीं दिया क्यों क्योंकि हम व्हीलचेयर यूजर है। उस दिन से मेरी तबीयत भी खराब है और न मैं सो पा रही हूँ मेरा गला भी खराब हो गया है खासकर यही सोच सोच के मुझे इसका इंसाफ चाहिए और
मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। काजल जी ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है आज। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से आने जाने की आजादी अभी भी बहुत लोगों से वंचित रखी गई है। ये कैसा लगता है एक लॉकडाउन में रहना? ये कोरोना काल में कुछ हद तक हमको एक एहसास हुआ था, पर आज भी बहुत से दिव्यांग लोगों के लिए ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है और इनकी पूरी जिंदगी रहा है। बहुत लोग इसका दोष देते हैं ऊपर वाले पर इसका दोष ऊपर वाले पर नहीं है, दोष है उस सिस्टम का जहाँ पे फिजिकली और इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को स्कूल में अपनी जगह बनाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, जहाँ अंधा एक गाली या टिकटॉक पर जोक का टॉपिक बन जाता है, जहाँ हमारे मुख बधिर साथियों को फिल्मों में कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया जाता है और बेसिक चीजें जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के अधिकार से वंचित रखा जाता है। RPWD एक्ट के आने के बावजूद आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब इनएक्सेसिबल है। कहीं रैंप्स की कमी है, कहीं ब्रेल साइनेजेस की, कहीं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की और कहीं एम्पथी की। पर इस सबके बावजूद हमारे देश के दिव्यांगों ने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। इसी पर और चर्चा करने के लिए आ रही है सना सामंत। 20 साल पहले क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में दिव्यांग अफसर भी होंगे? तब तो सिर्फ दिव्यांगों को म्यूजिक और टीचिंग में ही पाया जाता था, लेकिन अब ये नामुमकिन चीज हकीकत में बदल चुकी है। अब शायद ही कोई क्षेत्र है जिसमें दिव्यांग ना हो, चाहे आप IAS ऑफिसर ले लीजिए, चाहे इंजीनियर ले लीजिए, चाहे एनालिस्ट ले लीजिए, चाहे मानव संसाधन अधिकारी ले लीजिए। इसके पीछे कई से कारण हैं। पहला तो तरह तरह के कानून दिन प्रतिदिन लागू हो रहे हैं, जैसे RPWD एक्ट 2016, इंडियन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड 2022। उसके अलावा कई संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज में दिन प्रतिदिन जागरूकता फैला रही हैं, जैसे NAB सक्षम, और उन्होंने कई सारे सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं जैसे एनविजन AI, कीबो, NVDA आदि, जिसकी मदद से दिव्यांग लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी आसानी हुई है। उसी की वजह से दिव्यांग आज हर क्षेत्र में पाया जा रहा है, लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी भी हमें बहुत कम पॉलिटिशियन और लीडर दिव्यांग नजर आते हैं, और अभी भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो दिव्यांगों को रखने में हिचकिचाती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कसौटी पे खड़े उतरेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब आप हर कंपनी में दिव्यांग व्यक्तियों को पाएंगे। सना एक रोल मॉडल है कि कैसे इनएक्सेसिबिलिटी और सामाजिक बैरियर्स यानी बाधाओं को तोड़कर आप एक करियर बना सकते हैं। इसी जज्बे को और बढ़ावा देने के लिए रेनड्रॉप्स फाउंडेशन एक मौका लाया है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। रेनड्रॉप्स स्वाभिमान फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एन इनिशिएटिव टू एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इंटरैक्टिंग एट द वर्कप्लेस, legal advocacy and awareness, financial literacy, networking, using IT tools, soft skills. A 6-month virtual fellowship by Raindrops Foundation featuring sessions from experts, disability rights activists and sector leaders. Training partners, Zineature Productions and Corp Sutra.
ये फेलोशिप सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जनों के लिए है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमको ईमेल लिख सकते हैं info@raindropsfoundation.com पर। एप्लीकेशंस के लिए आप इंतजार करिए, ये जल्दी उपलब्ध होंगी हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पोर्टल्स पर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमको फॉलो करते रहिए और नजर रखिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जाने से पहले एक आखिरी स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे राजस्थानी फोक सिंगर्स के द्वारा। रेनड्रॉप्स फाउंडेशन की ओर से अपने सभी दिव्यांग साथियों से यह आह्वान करूंगा कि जिस फेलोशिप की आज रेनड्रॉप्स फाउंडेशन ने घोषणा की है, आप सभी अवश्य ही उसमें अपना आवेदन दें, ताकि जिस विकसित भारत की परिकल्पना हम सब कर रहे हैं उसे बनाने में हम सब आप सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयास कर सकें, बिकॉज एवरी सिंगल ड्रॉप काउंट्स। एंड मैं यह समझता हूं कि हम सभी मिलकर यदि अनेकता में एकता के इस मंत्र को साकार करने में अपना योगदान देंगे तो आने वाला भारत एक ऐसा भारत होगा जो कि सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, एक ऐसा भारत होगा जिसका उदाहरण विश्व में नए नजरिए की दृष्टि से दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं विश्वास रखता हूं कि हम
अगले 25 वर्ष में एक ऐसा भारत बनाएं जो कि विश्व में अपनी सुगम्यता के लिए जाना जाए, और जब डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात आए तो भारत का नाम सबसे पहले है। मैं अपनी वाणी को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक हमसे जुड़े रहने के लिए, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स जिनेचर को और टैलेंट पार्टनर्स साई राम म्यूजिक अकेडमी को। आशा करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आगे भी आप हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। जय हिंद।